हेलो योर वेलकम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आज जो है मैं एनबीएचएम स्कॉलरशिप पे डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट। ये एनबीएचएम स्कॉलरशिप की फुल फॉर्म होती है नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स। इसकी जो मेन ब्रांच है, हेडक्वार्टर है, वो मुंबई में अणुशक्ति नगर वारका, आपने नाम सुना होगा बाबा, तो वहां पर इसका जो है मेन ब्रांच है वहां पर स्टूडेंट। तो ये किस किस को जो है स्कॉलरशिप मिल सकती है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या इसके लिए क्राइटेरिया, तो इस पर पूरा डिस्कस करेंगे डिफरेंट। लास्ट वीडियो को आप जो है लास्ट तक जरूर देखें डिफरेंट। यदि आपने बीएससी कंप्लीट कर लिए और आप जो है एमएससी करने वाले हो या एमएससी करने जा रहे हो या फिर एमएससी अभी कर रहे हो, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो इसमें एलिजिबिलिटी ये है, क्राइटेरिया ये है, आपके पास जो जनरल और जो ओबीसी है उनको 60% चाहिए बीएससी में 60%, तो इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। इसके फॉर्म जो है जुलाई अगस्त में आते हैं, तो आप जो है आपको फॉर्म फिल करके आपको जो है ऑफलाइन आपको सेंड करना होगा, फिर आपका जो है एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपकी रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद में जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू को क्वालिफाई करते हो तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। अब ये डिफरेंट स्कॉलरशिप जो है आपको पर मंथली 6,000 रुपये 6,000 आपको जो है पर मंथली आपको पे करेगी एनबीएचएम डिपार्टमेंट है, यानी 6,000 रुपये आपको हर महीने मिलेंगे स्टूडेंट, और ये 2 साल तक मिलेंगे। अगर आप एमएससी सेकंड ईयर में है तो आपको 1 साल मिलेगा, अगर आप प्रीवियस के साथ अगर ये फॉर्म अप्लाई कर देते हो और आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपको 2 साल मिलेगी स्टूडेंट। तो इसकी जो है सितंबर में इसकी एग्जाम होती है और जुलाई अगस्त में इसके फॉर्म निकलते हैं स्टूडेंट, आप ध्यान रखना और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जब भी इसकी स्कॉलरशिप का नोटिफिकेशन आता है आपको जो है वीडियो के माध्यम से आपको मैं जो है इन्फॉर्म कर दूंगा स्टूडेंट। और आपने एमएससी कंप्लीट कर ली है, यदि आपने एमएससी कंप्लीट कर ली है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट, उसको बोलते हैं एनबीएचएम पीएचडी स्कॉलरशिप। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी करने वाले हैं, तो भी इसके लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमएससी कर ली तो जो क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसेस है वो यही है एमएससी की तरह, आपको रिटर्न टेस्ट देना होगा, उसके बाद में इंटरव्यू देना होगा, उसके बाद में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो 2 साल तक आपको 25,000 रुपये मिलेंगे पर मंथली, उसके बाद आपको 28,000 पे करेगी 2 साल तक, यानी 4 साल तक ये पेमेंट मिलेगा, और 1 साल और आप इसको इंक्रीज करा सकते हैं, तब आपका 35 के लगभग हो जाएगा। इस एग्जाम के लिए डिफरेंट जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो ही इसके लिए एलिजिबल हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बीएससी में एक सब्जेक्ट जो आपका एक मैथमेटिक्स होना चाहिए, और आप अगर एमएससी कर रहे हैं तो आपको जो है मैथमेटिक्स में आपको एमएससी होनी चाहिए आपकी, मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स रिलेटेड अन्य सब्जेक्ट जो है उनमें आपकी जो है एमएससी होनी चाहिए। तो ये जो स्कॉलरशिप है वो ओनली जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए है डिफरेंट, तो ये आप ध्यान रखना डिफरेंट। और जो है आज मैं आज 9:30 पे लाइव आ रहा हूँ डिफरेंट, ध्यान रखना। जिसको भी आईआईटी जेएम को लेकर, स्कॉलरशिप को लेकर किसी प्रकार की कोई कुछ पूछना है, लाइव डिस्कशन करना है, तो डिफरेंट आप बिल्कुल रेडी रहें, 9:30 पर मैं लाइव आ रहा हूँ डिफरेंट। बहुत धन्यवाद आपका।